ये सारा देवसाई है बेसिकली। और इसी तरह का इसका ये जो ट्रैक है ना, बड़ा गंदा ट्रैक है यार वैसे ये। और देखिए ट्रैक भी कोई नहीं बना, अपना रास्ता आप ही लभ लो। अभी देखिए कितने ट्रैक इधर जो है ना खुद ही गाड़ियों ने चल चल के बनाए हैं। एक ये है, एक वो है, एक वो आगे नज़र आ रहा है, वो देखें वो उधर से वो आपको जीप आती नज़र आ रही होगी, एक ये नज़र आ रहा है। तो ये बस इसी तरह ही है इधर ट्रैक बने हुए। और ये सारा मेन देवसाई है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स आते हैं आपके पास, जहाँ पे देवसाई नेशनल पार्क वालों ने कैंपिंग की जगह आपको फराहम की हुई है, वाशरूम की सहूलत है, उधर खाने पीने का इंतज़ाम है, और कैंपिंग बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म के चार्जेस नहीं है यहाँ पे आपको कैंपिंग लगाने के। अगर कोई ले तो आप उसकी तस्वीर खींच के आगे या इधर किसी भी पुलिस का जो देव ये जो टूरिस्ट पुलिस है उनको दिखाएं, वो इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। पहली बात है कि कोई मांगेगा ही नहीं आपसे पैसे। अब मेरा जो प्लान है अभी, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, लेट मी चेक, 5 बज गए पूरे शाम के, ठीक है, 14 अगस्त 2024 5 बज गए शाम के, तो अंधेरा तकरीबन होता है इस वक्त, असर का टाइम है वैसे गालिबन, और जो है ना मगरिब तकरीबन 7 सवा 7 बजे हो रही है, तो मैं मगरिब तक तो राइड करूँगा। और वैसे तो मेरा अगर अस्तोर तक हो गया मैं तो मैं अस्तोर में क्या कहते हैं अल्लाह आपका भला करे उधर जाके फिर करूँगा से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इधर कैंपिंग कर ली जाए, एक कैंपिंग का ज़रा एक एक्सपीरियंस ले लिया जाए इधर भी देवसाई में। खाने पीने की चीज़ें पास मौजूद हैं मेरे, तो सुकून से सुबह निकलेंगे और सुबह फिर सीधे अस्तोर में भी नहीं रुकेंगे, वहाँ से सीधे हम निकल जाएंगे अल्लाह आपका भला करे उस तरफ अपना, या तो जगलोट वाली साइड से गिलगित, या फिर अपना अल्लाह आपका भला करे है ना, ट्रैक काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पे, गिलगित निकल जाऊँगा, या फिर उधर से अगर मेरा मूड किया तो वापस नारायण कगान की तरफ, क्योंकि दोबारा खुंजराब करने का अगर मेरा मूड बना तो खुंजराब कर लूँगा मैं दोबारा। फ़िलहाल ये कि जो मैं एरिया भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको भी पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँ। यार ये कितना गंदा ट्रैक है यार, खाना हज़म करने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रैक है ये, अरे इतने आके बंदा ज़्यादा भुखा ही रहता है, खाना की खाना है, जो कुछ हो गया वो भी निकल जाएगा। देखो ना ज़रा, दिस इज़ डांसिंग रोड, वो बोलता है कि उधर से जाओ, इसका मतलब वो रास्ता ज़्यादा अच्छा है। चलें यार, इस शख्स ने हमारा रहनुमाई कर दिया, वो बोलता उधर से जाओ, चलो इधर से चलता है, ए उधर से जाओ, उधर से किधर से, तो तू बंदा पूछे तू क्यों इधर से आ रहा था अगर तूने मुझे उधर से कह के जाओ। हाँ यार ये रास्ता फिर भी बेहतर है उस हिसाब से, तो ये मोटरवे ही लगा मुझे। अच्छा यार अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है, अब मुझे इधर फिर आके ना अपना जीपीएस, वो सामने जा रही हैं गाड़ियाँ, इधर ही जाना है। ये देखो ना रास्ता, जल्दी से आपको डिसाइड करना होता है, नहीं तो खड़ा होके सोचें आप, क्योंकि अंधेरा हो गया ना तो यहाँ पर आपको पता दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन इधर भी नाइट राइडिंग का मज़ा आएगा। फिर इधर वापस आ गए हम, अच्छा वैसे मैं चेक करता हूँ जीपीएस में कि इस वक्त मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। आए होए एसकॉम के सिग्नल भी आ गए इधर, और चले गए, फिर आके चले गए यार, ये क्या बात हुई, ऐवें कुछ किया। चलो मैं अपना जीपीएस में देखूं कि मैं किधर खड़ा हूँ इस वक्त, जा तो मैं ठीक रहा हूँ यार टूवर्ड्स, अबे इधर हूँ मैं, ये यार एक्यूरेसी लो टैप टू इम्प्रूव कह रहा है, एक्यूरेसी लो है टैप टू इम्प्रूव। अच्छा जी ठीक जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके है, कोई मसला नहीं है फिलहाल, आई एम ओके। ट्रैक यार ये ऐसा है कि आप 20 की स्पीड पे ही बस जा सकते हैं इधर मेंटेन बस, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है।
यार ये है कि इधर थोड़ा ये है कि दूसरी बाइक तो आपको वाकई डड्डू बना देगी। YBR बस इसी वजह से मैंने चूज़ की है कि ये कंफर्टेबल बहुत है और इस पर इतने झटके वगैरह वो चीज़ें नहीं है। सुजुकी GS आपको थका देती है, उसमें बैलेंसर भी नहीं है। तो अब ये है कि इसमें वाइब्रेशंस भी कम है और उस तरह आपको सस्पेंशन भी बहुत अच्छी है इसकी। हाँ बस थोड़ा चढ़ाइयों में मैंने इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। बस ये पीछे आपने देखा होगा एक आध जगह पे इस बेचारी का ज़रा बस हो गई थी तो वहाँ पे मुझे एयर फिल्टर रिमूव करना पड़ा इसका, अदरवाइज हर चीज़ ओके है। तो ये है बेसिकली देवसाई, अच्छी जगह है, यानी कि माइंड को फ्रेश और रिफ्रेश और रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अच्छे क्लिक्स आएंगे यहाँ पे, आपका फ़ोटोशूट बहुत अच्छा हो सकता है। बारिश ख़त्म हो गई है शुक्र है, मुझे डर था कि बारिश ना हो पड़े। इधर से चल यार, ये फिर भी बेहतर है रास्ता। पाँव अभी तक ठंडे हैं पीछे जिस आबशार में जाके मैं फंसा था। आए ओ तेरी खैर यार, वैसे कमाल है। उफ इन्ने झटके वाला रोड, इधर भी आके थोड़ी बस हो गई। क्लच एंड पंप टेक्निक यूज करो फैसल। हाँ ऐसी जगहों के ऊपर राइडर्स अपनी क्लच प्लेटें जलाते हैं भाईजान, मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि मैंने क्लच एंड पंप किया है, क्लच को अगर मैं आधा हाफ प्रेस रखता उधर से रेस देता और क्लच को दबा देता रेस, उधर से मैं थ्रोटल दे ही रखता और क्लच को मैं यानी कि हाफ प्रेस रखता दबा देता, इस वजह से क्लच प्लेटें हो जाती हैं फारे। तो इधर है जी, बस ये कि ऐसी जगहों पे क्लच एंड पंप की टेक्निक करें। फिल्टर मैंने वापस लगा दिया है इस वजह से थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन ये कि चढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। असल में ऑफ रोड है प्लस हाइट भी है, 12,000 फुट से प्लस हाइट है सतह समुंदर से इसकी। ट्रैक कितने बने हुए हैं, दो दो तीन तीन ट्रैक बने हुए हैं, नाइस। अब देखे डाउन हिल शुरू हो गया एकदम से, डाउन हिल भी काफ़ी डेंजरस है क्योंकि पत्थर आ जाता है एकदम टायर के नीचे, तो आपको बड़ा केयरफुल होके उतरना पड़ता है। बस जल्दबाजी नहीं करनी, रिलैक्स होके। अब इधर से मेरा ख्याल इधर से हो जाता हूँ या इधर से हो जाऊँ, ट्रैक तो काफ़ी है, किधर जाऊँ किधर जाऊँ किधर जाऊँ। ये थोड़ा गीला लग रहा है, ये थोड़ा सूखा लग रहा है, इधर से हो जाता हूँ। ये ठीक है यार, वो देखो PTI इधर भी छाई हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इधर बंदा गाड़ी पे आ सकता है, आप खुद देखें गाड़ी का कचरा हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता होता वो आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव की कार लेके आए यहाँ पर। इधर सुजुकी की अगर कोई गाड़ी आ सकती है तो सुजुकी जिमनाए या पोटोहार, टोयोटा की भी आ सकती है तो वो फिर लैंड क्रूज़र प्राडो वगैरह जो है आपकी फॉर्चुनर।
और पीछे कड़ी रह गई साड़ी बस टोयोटा और होंडा की। खैर मुझे कोई जहन में नहीं आ रही, आइडिया नहीं है उसका। होंडा की फोर व्हील अभी पाकिस्तान में कोई वो दे रहे हैं कि नहीं फ़िलहाल। BRV है लेकिन मेरा नहीं ख्याल BRV फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो भी मुझे नहीं लगता कि इधर आ सकती है। ये आ रहे हैं हमारे आधे राइडर विदाउट हेलमेट, विदाउट एनी प्रिकॉशंस। यार हेलमेट मस्ट है, हेलमेट मस्ट है। मेरी तो वो जो है ना आर्मर जो थे वो तो ख़राब हो गए, टूट गए ना, वो स्टील के जो थे वो देखने में मजबूत लगते हैं लेकिन उन्होंने काम कोई नहीं किया इतना है सच। यार मैं वैसे देखूं अपने ट्रैक से भटका तो नहीं हूँ, मैं समझ नहीं आ रही जाना किधर है, लेकिन रास्ता सारा एक जगह ही जा रहा है। ये पत्थर से बेहतर ये वाला रास्ता है, उसके सामने कसम से ये आपको GT रोड लगता है, और इससे भी आगे अच्छा आ जाए तो वो हमारे लिए मोटरवे है। अच्छा जी यार मैं बस एक दफ़ा चेक करूं कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, एक दफ़ा फिर से ना देख। ये है देवसाई का सारा ट्रैक, एडवेंचर है और सच पूछे मंजिल पे पहुँचने से यानी कि अच्छा ये सफ़र का ही मज़ा है। मोटरसाइकिल राइडिंग में यही मज़ा और इसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए मैं निकलता हूँ। और अभी मैं देखता हूँ कि मैं कहूँ इधर सिग्नल आ रहे हैं, ये देखें वो ओनिक, वो देखें एसकॉम और ओनिक आ गए इधर फिर से सिग्नल, यार वेरी गुड। लेकिन मैं अभी इधर देखता हूँ मैप्स में अभी मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है मैं अपना ठीक जा रहा हूँ, इधर आगे चिलम वगैरह आ जाएगा ना। अभी मैं देखता हूँ अगर अंधेरा हो गया तो मैं सोच रहा हूँ इधर ही रात गुजार लूँ क्योंकि बेहतर आगे चिलम में जाके, या अगर मैं स्टोर जाता हूँ तो उधर मुझे कोई होटल देखना पड़ेगा और इधर कैंपिंग है उसमें फ्री में कैंपिंग हो जाएगी मेरी, तो थोड़ी कॉस्ट सेफ हो जाएगी आपकी। वाह यार स्पार्टर 70 पे भी आए हुए हैं इधर देखो। सेवेंटी भी चल रही है इधर, यार देख ले वैसे बंदा चलाने वाला होना चाहिए। औस बिल्ला वैसे यार चढ़ाइयाँ इधर भी थी लेकिन वो वाली नहीं है, खैर के जिधर बाइक तंग करे यानी कि देवसाई करके ही वैसे आप जो है ना अपना एयर फिल्टर वापस डालें कि बीच में ना ये पथरीली आ जाती है ना तो बेहतर है, बाइक का जोर काफ़ी लगता है इधर, तो बेहतर यही है कि देवसाई आप करके ना एंड पॉइंट लगाएं या फिल्टर। मैंने तो खैर लगा दिया था वापस क्योंकि मुझे आगे आइडिया नहीं था ट्रैक, वहाँ पर एक वो मुकामी खड़ा था, ड्राइवर ही था हालांकि वो, तो उसने कहा आगे नीचे ही जा रहे हैं तो आगे इतनी चढ़ाइयाँ नहीं है, तो मैंने इस वजह से लगा लिया और ऐसा तक इतना बड़ा इशू भी नहीं आया। लेकिन ये था कि बेहतर हो जाता अगर मैं ना लगाता फिलहाल ये फ़िल्टर, क्योंकि इधर मट्टी तो ऐसा नहीं है, अभी मट्टी सारी बैठी है, इशू तो ये होता है कि मट्टी वगैरह उड़ के पड़ती है ना। बहरहाल ये देवसाई का ट्रैक कोई नहीं है, रोड कोई नहीं है कि रोड हो, वो GPS के अंदर भी इसी कच्चे रास्ते को ही वो शो कर रहा है बस, ऐसा इधर कोई ट्रैक कोई रोड नहीं है इधर। ये देखें लोग इधर गाड़ियां ले आते हैं लेकिन मसला बड़ा होता है, गाड़ी ये लगेगी काफ़ी लगेगी और लग चुकी होगी इनकी काफ़ी गाड़ी नीचे भी, लेकिन लोग ले आते हैं वही ना जिनको इलम नहीं है, वो कहते हैं चलो कर लेंगे, लेकिन मसला है बाज़ का। इधर एक डेंजर ये भी होता है कि टायर के अंदर से पत्थर स्लिप हो के फटक करके निकलता है बाहर और आपको लगता है, और खुदा ना खास्ता वो आपको अगर सर पे लग जाए तो सर भी फट सकता है आपका। यार सोलो राइडिंग में वैसे जो सुकून है ना ग्रुप राइडिंग में नहीं है, मैं जब से सोलो किया ना अपना अभी देखें सुकून में आ गया हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं इधर से तो फिलहाल अस्तोर की तरफ जाऊंगा,
शपाटर हर जगह मिलेंगे आपको, शपाटर तो हमारे ना मिले आपको तो टूर मुकम्मल कैसे होता है यार। शपाटर, शपाटर राइडर्स। ये देखें 20 से ऊपर नहीं जा रही, 20 वाला ट्रैक है बस ये, 18, 19, 20। मैंने वैसे क्लच प्लेटें एक्स्ट्रा रखी हुई हैं अपने साथ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हों फिर भी बाज का जितना ज़ोर जमाई होती है गाड़ी के साथ, आपकी बाइक के साथ, इंजन के साथ, क्लच प्लेटें कहती हैं नहीं मेरी बस हो गई हो, तो लिहाजा क्लच प्लेटें आप ज़रूर साथ रखें अपने। अगर आपको तब्दील खुद नहीं भी करनी आती तो चलें किसी नियरेस्ट पॉइंट पे जाके, आपको कम अज़ कम ये नहीं होगा कि आपको आपके टिपिकल मॉडल की क्लच प्लेटें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि स्पेशली YBR और GS इनके पार्ट्स आपको नहीं मिलते कहीं से। चलें आप किसी गाड़ी के ऊपर कहीं पर टो करके आप किसी तरह पहुँच जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास क्लच प्लेटें हों। चढ़ाई भी होती है और ऊपर से ऑफ रोड होता है पथरीले किस्म का, बाइक बेचारी कहती मैंने कितने लाया, जितनी कॉस्मेटिक जितनी ये अपना सेक्सी लुक बनाई है बाइक की उतना इससे हार्डकोर मैंने टूर्स किए हैं। बेचारी को सख्त जान बना दिया मैंने। इससे पहले मैंने इस तरह का गंदा ट्रैक नलतर किया था, ये तो नलतर की भी इसने कसर निकाल दी है दियो सही वाले ने। पहाड़ पहाड़ ही पहाड़। अभी जब वापसी पे जब GT रोड पे पहुंचूंगा ना मैं, तब यकीन जाने ये पता नहीं बाकियों के साथ होता है कि नहीं होता, लास्ट टाइम जब ऐसे मैंने किया आपको वैसे ही आगे आपके जहन में पहाड़ ही आपको नजर आएंगे, आगे GT रोड पे भी आपको ऐसे ही लग रहा होगा पहाड़ है सामने, हालांकि होते कोई नहीं है पहाड़, स्पेशली आपको अगर थकावट हुई हो ज्यादा।